नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो चुका है। पीएम मोदी की यह पुरानी तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक बैनर के पीछे लिखा है कि धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ और देश बचाओ। वहीं इससे पहले की तस्वीर को सोमवार को केंद्र सरकार के फैसले से जोड़कर देखा जा रहा है। तस्वीर में दिखाया गया है कि नरेंद्र मोदी काफ़ी पहले धारा 370 के विरोध करते रहे हैं और अब पीएम बनने के बाद आखिरकार उन्होंने धारा 370 को हटा ही दिया। ये तस्वीर इतनी शेयर की जा रही है कि रातों रात बढ़ती जा रही है। ये तस्वीर किसी प्रदर्शन की लग रही है। इसमें पीएम मोदी कुछ अन्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं और उनके ठीक पीछे एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर पर लिखा है कि धारा 370 हटाओ, आतंकवाद मिटाओ और देश को बचाओ। यह तस्वीर कब की है, नरेंद्र मोदी जिसमें हैं और लेकिन फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन लोग लगातार इसे रविवार की शाम से शेयर कर रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मोदी की यह तस्वीर 1992 की हो सकती है। तब वह बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ एकता यात्रा पर थे। 1991 में हुई ये यात्रा 11 दिसंबर 1991 में शुरू हुई थी और 1992 में मुरली मनोहर जोशी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तब नरेंद्र मोदी उनकी बगल में खड़े थे। धारा 370 से नरेंद्र मोदी का क्या लगाव है, ये आज हम आपको स्पष्ट करेंगे। हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो इस समय वायरल हो रही है। आज से 27 साल पहले आतंकवादियों से बोले थे नरेंद्र मोदी, लाल चौक पर पता चल जाएगा कि किसने माँ का दूध पिया है। इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इसलिए किया था कि लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय तिरंगा नहीं फहरा सकता था, क्योंकि आतंकवादी कोई नियम और कानून का पालना नहीं करते थे, बल्कि भारत के खिलाफ पूरी आग उगलते थे। लेकिन आपको बता दें कि 1992 में नरेंद्र मोदी ने मुरली मनोहर जोशी के साथ श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। उस समय आतंकवादियों ने उनको तिरंगा फहराने की चुनौती दी थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर पर बड़ा फैसला किया। ये कहानी 1992 से शुरू हुई, लेकिन आज उन्हें नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया। इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर में कई चीज़ें पूरी तरह बदल जाएंगी। जैसे अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, दो निशान दो संविधान नहीं होंगे, राज्य का अलग झंडा नहीं होगा, अनुच्छेद 370 खत्म करना बीजेपी का पुराना वादा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने काफ़ी पुरानी ऐतिहासिक गलती को ठीक किया है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं, जहां तिरंगा फहराने को लेकर के आतंकवादियों ने उनको चुनौती दी थी। हालांकि ये वीडियो बहुत पुराना है। इस पर मोदी ने कहा था कि मुझे याद है कि मैं 1992 में लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए कश्मीर गया था। उस समय आतंकवाद पूरे जोर पर था और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे को ज़मीन पर रौंदते थे, उनको जलाते थे, उनका अपमान करते थे, तिरंगे झंडे को अपनी कार साफ किया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि तिरंगे से वे जूते साफ भी करते थे और ये सब पीठ पीछे नहीं बल्कि कैमरे के सामने होता था। उन्होंने कहा कि ये दृश्य मेरे दिल में आग पैदा करते थे। हमने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक यात्रा निकाली थी कि और तय किया था कि हम 26 जनवरी को श्रीनगर में लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएंगे। जब आतंकवादियों का इसका पता लगा तो उन्होंने श्रीनगर में जगह जगह पर दो पोस्टर चिपका दिए थे, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि किसी ने अपनी माँ का दूध पिया है तो 26 जनवरी को 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पर आकर झंडा फहराने की कोशिश करे, वह जिंदा वापस नहीं जाएगा। तब उन्होंने इस वीडियो में कहा कि मैंने अपनी हैदराबाद की सभा में कहा था कि 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक में पहुंचूंगा और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं जाऊंगा और ना ही मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में होऊंगा।
ऐसे में मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा, ना मेरे सीने पर होगा तो सिर्फ तिरंगा झंडा होगा। फैसला 26 जनवरी को लाल चौक पर ही होगा। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो वहाँ आ जाए। उन्होंने कहा कि मैं समय पर गया भी था और तिरंगा झंडा फहराया भी। हमारे पास दो तरह के ये वीडियो हैं जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो दोनों वीडियो वायरल हैं, आइए देखते हैं उसकी कुछ झलकियां। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है, लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है, लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है, लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया। आतंकवादियों को परेशान करके रखा है, लाल चौक में पोस्टर्स लगाए हैं, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके सुन गए। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। देखिए मित्रों, सेना में जो जवान होता है ये युद्ध की भूमि में मरने के लिए जाता है, इसलिए कि उसको तनख्वाह मिलती है। उसको तनख्वाह मिलती है इसलिए सेना का जवान युद्ध की भूमि में मरने के लिए तैयार नहीं होता है। वो मरने के लिए इसलिए तैयार होता है, इस मिट्टी को प्यार करता है। अगर आप अपने जीवन में किसी चीज को प्यार करो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। तो आमतौर पर महिलाओं का स्वभाव कैसा होता है, मैं गलती करूं तो सब माताएं मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरा नाता थोड़ा कम है, लेकिन असेसमेंट मेरा गलत हो जाए तो मुझे क्षमा करें। लेकिन आमतौर पर महिलाएं क्या करती हैं, घर में अगर वो खाना पका रही हैं, अपने रोज चपाती बना रही है और चाहती है कि अपने पति देव को गोल मोल बराबर फूली हुई अच्छी चपाती दे। अब वो खाना पका दे रही है और तैयारी कर रही है, इतने में कहीं एक आध चपाती में से भाप निकल आती है, स्टीम निकल आती है और उसकी उंगली पे थोड़ी जल जाती है।
तो वो कुछ दवाई वगैरह लगाती है, लेकिन हर पल देखती है घंटी कब बजेगी। वो इंतजार करती है कि पतिदेव आए, और ये चाहती है कि पतिदेव मेरी उंगली में जो जलिया हूं, जो जलन हो रही है, इसको वो फील करें। और वो भी चाहती है कि बच्चे देखते ना हो तो उस पर फूंक भी लगा दे। चाहती है ना, मैं गलत हूं तो मुझे क्षमा करना, लेकिन उसका मन करता है कि इस चपाती को बनाते बनाते अगर वो जली है तो उस जलन को नोटिस किया जाए, और वो भी सुप्रीम के माध्यम से नोटिस किया जाए। और 50 बार फूल लगाएगी, खाना परोसते समय भी यूं करेगी, थोड़ा डाल भी देगी बगल में, कपड़े भी खराब करेगी, पूछा नहीं तो कपड़े खराब करेगी, बच्चों कपड़े खराब करेंगे, नहीं तो मैं जल गई थी ना। अच्छा जल गई थी तो पहले बताना था, उनको मामला ठीक कर लेते हो। लेकिन वही माँ वही महिला बाजार में सब्जी लेने गई, साड़ी का स्टॉल लगा है, डिस्काउंट पीस 20% है, क्या होगा, सब्जी बाजू में और साड़ी की दुकान में जाएगी, और साड़ी की दुकान में बढ़िया बढ़िया साड़ी है, 20% डिस्काउंट है, उसका मन करता है ये लू वो लू ये लू वो लू। और इतने में खबर आती है कि फलाने मोहल्ले में आग लगी है, वो तुरंत वहां से भागती है, साड़ी पैसे जो भी होगा भूल जाती है, दौड़ती है और जाकर के देखती है अपना खुद का घर जल रहा है, तो चीखती है। बड़े बड़े तंदुरुस्त लोग, बड़े बहादुर लोग मकान को आग बुझाने के लिए वो पानी डाल रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई जाकर के चीखती है, अरे मेरा बेटा अंदर रह गया है, मेरा बेटा अंदर है। सारे मर्द लोग एक दूसरे का मुंह देखते हैं, इंतजार करते हैं क्या हुआ होगा, और तब वो मां उस जलते हुए मकान में कूद पड़ती है और बच्चे को लेकर के आती है। बच्चों को लेकर के आती है, बाप के कारण जिसकी उंगली पर जलन के कारण वो 50 बार फूंक लगाती है, उस माता के भीतर शक्ति का रूप होता है, जब बेटा होता है तो कूद पड़ती है। दोस्तों अभय यही से फायदा होता है, निर्भय यही से फायदा होता है। मुझे स्मरण है, मैं 1992 में श्रीनगर गया था लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए, और आतंकवाद बड़े पूर जोर में था, और आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को जमीन पर रौंदते थे, उसको जलाते थे, उसको अपमानित करते थे, तिरंगे झंडे से अपनी कार साफ कर रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, और कैमरा के सामने सब करते थे। ये दृश्य मेरे दिल में आंख पर था। हमने एक यात्रा निकाली थी कन्याकुमारी से, तिरंगा झंडा लेकर के चल पड़े थे हम, और तय किया था हम श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के तिरंगे का झंडा फहराएंगे। मैं तो आतंकवादियों की इस जगह पे जाके तिरंगा झंडा फहराने का सोचना, क्या क्या लगता है मित्रों? हम निकले तो श्रीनगर के अंदर आतंकवादियों ने पोस्टर्स लगाए थे, दीवारों पर लिखा था कि हम देखते हैं कि किसने अपनी मां का दूध दिया है कि जो श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहरा करके वापस जाए। जब मैं अपनी यात्रा कन्याकुमारी से लेकर के चलते चलते हैदराबाद पहुंचा तो मुझे वहां से वो पोस्टर वगैरह के फोटो ये सब मेरे पास आया, और मैंने हैदराबाद से अपनी स्पीच बदल दी, मैंने अपने भाषण का रंग रूप बदल गया, मेरा भीतर से आवाज उठने लगी, और मैंने हैदराबाद की सभा में ललकार किया था। उसके बाद में एक महीने के बाद 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में पहुंच रहा था, और तब मैंने कहा था मित्रों, उस समय की अगर वीडियो क्लिपिंग हो गया तो आप देख सकते हैं, और मैंने भरी सभा में हैदराबाद में कहा था, मैंने कहा मुझे आतंकवादियों ने मुझको ललकारा है, और आतंकवादियों ने कहा कि किसने अपनी मां का दूध पिया जो 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में आकर के तिरंगे का झंडा फहरा रहे हैं। और तब जाकर के मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा, मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा, हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर के आऊंगा। और फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध किया। और मित्रों मैं समय पर गया, तिरंगा झंडा फहराया, और आज आपके सामने खड़ा। ये मैं आतंकवादियों से आज नहीं लड़ रहा हूं,